देखिए मैं बाबा महाकाल से यही मांगा है कि यू नो सबको खुशियां दे, पूरे देश में हमेशा तरक्की बख्शे रहे और अच्छी सेहत भरे। देश बड़ी तकलीफों से गुजरा है पिछले कोरोना के दौर पे, तो अभी वापस सब लोग एकदम वापस खुशहाल हों। और बस यही कहना चाहूँगा कि मैं हमेशा पहले भी देश के लिए खड़ा था और आज भी खड़ा रहूँगा। नंबर अभी भी वही है, जब भी किसी को ज़रूरत पड़ी हमेशा खड़ा रहूँगा। मैं महाकाल से वही मांगा कि उन्होंने बख्शा मुझे कि मैं लोगों के लिए कुछ भी कर पाया, और बस वो शक्ति देता रहे कि मैं हमेशा लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। मेरी अभी फिल्म शुरू होने वाली है फतेह अगले महीने से, तो महाकाल से भी मांगा कि अच्छा यू नो कोशिश फतेह हो, फतेह की फतेह होनी चाहिए, और मैं जरूर आऊंगा वापस यहाँ पर। पठान को लेकर विवाद चल रहा है, पठान मूवी को लेकर क्या बयान? देखिए मुझे लगता है कि मैं मतलब महाकाल की मुझे लगता है आज बात करनी चाहिए। वो पॉजिटिव मैं दर्शन करने आया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि बस जो भी लोग इंसान मेहनत करते हैं चाहे किसी भी फील्ड के अंदर हो, हमेशा सब खुशी रहे। कोरोना का काफी खतरा फिर बताया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए मैं सबसे यही कहूँगा कि ध्यान रखें, पूरा देश ने बहुत मेहनत करके वापस अपने पैरों पे खड़ा होने लगा है, तो ध्यान रखें। लेकिन अगर भी कोई विपदा कभी आती है तो मुझे लगता है सब देश को एक साथ खड़े होना चाहिए, और मैं हमेशा सबसे कहता रहा हूँ कि महाकाल ने पहले भी मुझे ताकत बख्शी थी कि मैं देश के लिए कुछ कर पाया, और आज भी मैं खड़ा हूँ, कभी मेरी जरूरत पड़ी तो हमेशा खड़ा रहूँगा। फिल्म इंडस्ट्री में आजकल जो है फिल्में काफी विवादित हो जाती है रिलीज होने का पहले ही, तो उसको लेकर क्या कहेंगे कि इस प्रकार की फिल्में बनना चाहिए क्या जो विवादों से घिरी रहती है? देखिए मुझे लगता है कि एज फिल्म मेकर्स और एज एक्टर्स हमारे ऊपर हाँ मतलब सही जगह नहीं है यहाँ पर, लेकिन यही कहूँगा कि हम लोग कोशिश करते रहेंगे कि हमेशा लोगों के लिए अच्छा काम करते रहें और प्रेरित करते रहें लोगों को। Yeah.